अभी एक्चुअली टाइम हो रहा है 3 o'clock, लंच हमारा खत्म हो गया है। लंच खत्म करने के बाद मेरे पतिदेव दोबारा अपने काम पे बैठ गए हैं और मैं बैठ के थोड़ा सा टीवी देख रही थी। आई वॉज वॉचिंग एक्चुअली दिस मूवी, मैंने पॉज करके रखा है क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए पॉज करके रखा है। सो इफ समवन लव डॉग्स एंड कैट, प्लीज वॉच दिस मूवी, डेफिनेटली विल लाइक दिस। मैं आफ्टरनून में सोना उतना प्रेफर नहीं करती क्योंकि आफ्टरनून में सोने से दो तीन चीज़ें जो बिगड़ जाता है, जैसे कि अगर आप आफ्टरनून में सोओगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हिलडुल जाएगा, मतलब वो ठीक ठाक नहीं रहेगा, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। ये है बहुत बड़ा सा पॉइंट। और आफ्टरनून हम लोग क्या करते हैं, खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं। जैसे नॉर्मली खाने के बाद तुरंत तो बिल्कुल भी नहीं सोना है, नॉर्मली 2 hours का गैप तो डेफिनेटली होना है। वो तो हेल्दी प्रोसेस है जो मैं नॉर्मली मेंटेन करती हूँ, तो मैं नहीं सोती। का मेरे ना सोने का 2-3 रीज़न ये है, एक रीज़न ये है और दूसरा रीज़न ये है कि अगर मैं आफ्टरनून को सो जाऊँ तो रात को जल्दी नींद नहीं आएगा, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सबको। अगर जो भी लोग ऐसे सोते हैं उन लोगों को पता ही होगा, और जो लोग लॉकडाउन में अभी सोना स्टार्ट कर दिए उन लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम, जो ऑफिस जाएंगे तब तो थोड़ी तो वो वाला आदत, गंदा सा आदत रह ही जाएगा। तो ओवरऑल मैं आफ्टरनून में सोना प्रेफर नहीं करती, मुझे पसंद भी नहीं है और मुझे अनहेल्दी कुछ चीज़ प्रोसेस नहीं करना है अपने लिए, अनहेल्दी कुछ चीज़ फॉलो नहीं करना है जब तक मैं उसे जानती नहीं हूँ कि वो अनहेल्दी है। अगर मैं कुछ चीज़ ऐसा कर रही हूँ जो अनहेल्दी है, जो मुझे पता नहीं है, तो दैट इज़ मे बी समथिंग डिफरेंट। बट अगर मुझे पता है कि वो चीज़ सही नहीं है, हमारे लाइफ के लिए सही नहीं है, अनहेल्दी है, इसे तब मैं वो डेफिनेटली उसको नहीं करूँगी, उसे फॉलो करना बंद कर दूँगी, उसको करना बंद कर दूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लॉकडाउन तो चल रहा है, इसी चलते हम सब घर पे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सब भी घर पे ही रहे क्योंकि हालत बहुत ही गंदा हो गया है, हो रहा है एक्चुअली। सेकेंड वेव बहुत बहुत ही गंदा है, बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है और डेथ रेट भी थोड़ा ज़्यादा ही है कम्पेयर टू द फर्स्ट वेव। इसीलिए तमिलनाडु में भी लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है। इट वॉज दैट टिल 31 मई, बट नाउ इट्स 7th जून, टिल 7th जून। तो सब जगह पे मोस्टली हर एक स्टेट में लॉकडाउन है, तो प्लीज़ आप घर पे ही रहिए, बाहर ना जाइए, खुद को भी सेफ रखिए, अपने फैमिली मेम्बर को भी सेफ रखिए। आज मैंने बहुत सारी सब्जियां ली है क्योंकि एक तो लॉकडाउन चल रहा है, बाहर नहीं जा पा रहे हैं और पूरा का पूरा दुकान बंद है, कुछ भी खुला हुआ नहीं है। तो इट मीन्स लाइक चेन्नई में फुल लॉकडाउन चल रहा है ये कोविड की वजह से, क्योंकि चेन्नई में ही काउंट ज़्यादा है और इसीलिए गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि गवर्नमेंट से व्हीकल आएगा, मतलब गवर्नमेंट विल सेंड द व्हीकल, इट्स लाइक विथ वेजिटेबल्स, फ्रूट, ऑल ऑफ दिस। तो आज हर रोज आते हैं 10:30 to 11 o'clock के बीच में। आज मैंने जाके वो सबसे थोड़ा बहुत सब्जियां ले ली है, तो 3 से 4 दिन तक तो चली जाएगा। मैंने लिया है कैबेज और मैंने हाफ ही लिया है क्योंकि पूरा लेने से हम खत्म नहीं कर पाते एक्चुअली। हाफ लेने से अगर हम बनाए तो एक दिन में एक दिन चल जाता, नहीं तो नेक्स्ट दिन आ जाता है। मुझे पुराना बासी खाना खाना पसंद नहीं है। तो उसके बाद मैंने लिया है सब्जी, यहाँ पे आप सब देख सकते हो, ब्रोकली है, फिर लेडीज फिंगर है, कैरेट है, बीन्स है, देख ही सकते हो क्या क्या है करके। आप सोच रहे होंगे ये यहाँ पे ये रैक में क्यों है, इसीलिए ये यहाँ पे है कि मैं सब्जी कोई भी खरीदने के बाद उसे सबसे पहले धो के सुखा के फिर मैं उसको फ्रिज में डालती हूँ। मैं वो गंदा सब्जी फ्रिज में नहीं डालती, ऐसा नहीं है कि कोरोना की वजह से ऐसा कर रही हूँ, नहीं 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 नहीं, मैं कोरोना से पहले से ही इन सबको धो के, कुछ कुछ ऐसा भी है कि मैं उसको डब्बे में डाल के रखती ताकि वो खराब ना हो जाए। तो ये जो भी सब्जियां है मोस्टली शायद सूख गया है क्योंकि मैंने इसे सुबह ही लेने के बाद, लंच के बाद इसे धो के ऐसे रखा हुआ है, तो मोस्टली सूख गया है। मैं अभी के अभी इसे उठा के फ्रिज में डाल दूंगी। और ये जो आप देख रहे हो ना, इसका मैं अभी पकौड़ा बनाऊंगी इस चीज़ का। ये चिली है, ये शायद उतना तीखा नहीं है, इसका पकौड़ा बनता है, इसका मैं आज पकौड़ा बनाऊंगी, आप लोगों को, आप सबको दिखाऊंगी भी, चलिए देखेंगे ना उसको भी। और इसके सिवा मैंने लिया है ये, इसको क्या बोलते हैं, ये है मटर, ग्रीन पीस, और मैंने इसको अगेन मैंने छील के रख दिया है। मैं ऐसे ही किसी भी चीज को रखने देती हूँ, मुझे ऑर्गेनाइज करके रखने का शौक है, शौक नहीं बोल सकता, आदत है, हर एक चीज को मैं ऑर्गेनाइज करके रख दूँ क्योंकि जब भी मुझे वो चाहिए होगा तब मैं उसे इमीडिएटली ऐसे ही बस निकालूं और यूज करूं, क्योंकि मैं तो ऑफिस जाती रहती हूँ। ऐसा करके रख देने से क्या है, इजीली वो खाना बनाते टाइम मतलब इजी हो जाता है, इजीली मैं उसे यूज कर सकती हूँ, उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैंने इसको पूरा ऐसे निकाल के ऐसे रख दिया है
अब इसको मैं यूज करूंगी। पता है इसका दाम कितना है? बहुत दाम हो गया है इसका। इतना सा ग्रीन पीस लिया है 100 के ऊपर, 110 समथिंग शायद, बाप रे। वैसे भी अभी लॉकडाउन की वजह से ना सारे सब्जियों का ऐसे दाम बढ़ गया है। से है मैंने सारा वेजिटेबल्स हटा के फ्रिज में डालते थे, सब सूख गए थे, बस इसको छोड़कर, क्योंकि ये जो है इसका पकौड़ा बनने वाला है। और अभी मैं आटा का डो बना के रखूंगी, क्योंकि रात को रोटी के लिए मुझे वो चाहिए होगा। और मुझे तो हमेशा से आदत है कि सब कुछ पहले से रेडी करके रखो खाना बनाते टाइम, ताकि वो सब कुछ रेडी रहे। सो इसमें मैंने ऑयल डाला है, आटा में मैंने ऑयल डाला है, और इसमें मैं डाल रही हूँ ये थोड़ा सा नमक। रोटी बनाने के लिए ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा डालती हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये जो आइडिया है मेरी एक दादी ने मुझे दिया था। तो वो बोलती थी कि थोड़ा सा ऑयल डालने से जो रोटी जब आप इसको पानी डाल के इसको डो बनाओगे तब वो हाथ में ज्यादा नहीं लग जाएगा, और जब उसको रोटी आप बनाओगे, जब उसे बेलोगे, तब भी वो लग के नहीं आ जाएगा, बहुत ही अच्छा सा फाइन सा एक स्मूथ से वो बनेगा। तो मैं अभी इसको गोंद लेती हूँ, इसको डो बना लेती हूँ। बन के रेडी भी है, और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया है। मैं जब भी इसे फ्रिज में रखती हूँ तब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के ही रखती हूँ, और हमेशा मैं इसे एयर टाइट बॉक्स में रखती हूँ, जैसे कि मैं इसमें अभी रख रही हूँ, ये एयर टाइट है। तो इसमें रखने से क्या होगा, आप जैसे इसको जितना सॉफ्ट बना के आप इसे अंदर रख रहे हो, आप जब इसे निकालो वो वैसा ही रहे। अगर आप ऐसे मिसन प्लग करके कोई भी खाना बनाओगे ना, मतलब खाना बनाने से पहले उसका मिसन प्लग करके रख दोगे, तो खाना बनाते टाइम बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए, वो जल्दी बन जाएगा, आपको प्रिपरेशन करने के लिए झंझट नहीं करना पड़ेगा। तो ये दैट इज वेरी इजियर प्रोसेस। तो मैं तो ऑफिस जाती हूँ, इसीलिए मैं पहले से वो करके रखती हूँ, कि मैं ऑफिस जाने से पहले मुझे बनाना है, ऑफिस से वापस आने के बाद मुझे बनाना है। मैं ज्यादा टाइम कुकिंग में स्पेंड नहीं कर सकती, इसीलिए मैं जब भी खाली बैठी हूँ तब भी ऐसे रेडी करके कुछ ना कुछ रख देती हूँ। और ये जो आटा है मैंने जो रेडी करके रखा है, मैं मोस्टली 24 आवर्स के अंदर यूज करना है, मैं वैसे ही यूज करती हूँ। आप सब लोग अगर करने का प्लान कर रहे हो तो उसको 24 आवर्स के अंदर यूज करना है। जैसे कि अगर मैंने सुबह बनाया तो मैं रात को उसे यूज कर लूंगी, अगर रात को बनाया तो उसे सुबह तक यूज कर लूंगी, मतलब 24 आवर्स के अंदर उसे यूज कर लेना है। कि ज्यादा दिन तक आप फ्रिज में खाना नहीं रखना चाहिए, दैट इज अगेन इट्स नॉट हेल्थीएस्ट फॉर यू। थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। दिन में मैं मिनिमम 3-4 लीटर्स पानी पीती हूँ। आप सबके लिए भी मैं वही रेकमेंड करूंगी, ये पानी जो है ना बहुत ही अच्छा है आपके हेल्थ के लिए। आप खाना थोड़ा सा कम खाओ नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा एक घंटा हाफ एन आवर लेट खाओ तब भी नो प्रॉब्लम, पर ये पानी हमेशा हर रोज आपको मिनिमम 3-4 लीटर डेफिनेटली पीना चाहिए। आप चलो पानी का टेस्ट तो है नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी फ्लूड पी लो, आप जूस ही पी लो, पर चाय कॉफी नहीं, जूस। मतलब अगर आपको ये भी खाली पानी अच्छा नहीं लग रहा है खाली पानी, तो आप उसमें ग्लूकोज डाल के पी लो, थोड़ा सा उसका ही थोड़ा सा लेमन जूस बना के पी लो, कुछ भी। मतलब फ्लूइड 3-4 लीटर्स बॉडी में डेफिनेटली जाना चाहिए। थोड़ा सा बहुत ही गंदा पड़ा है, मुझे ऐसा गंदगी पसंद नहीं है। मैं यहाँ पे चार्ज दे रही थी क्योंकि काम कर रही थी, यहाँ पे लैपटॉप भी पड़ा हुआ है, इसको मैं समेट लेती हूँ, लैपटॉप वहाँ पे बैग पड़ा हुआ है, सब कुछ हटाना है एक्चुअली, मैं इसे हटा लेती हूँ फटाफट से। ये जो मैं लगा के बैठी हूँ अजीब दिख रहा है ना? हाँ मुझे पता है अजीब दिख रहा है, पर एक्चुअली क्या हुआ है, मुझे पिंपल आया है यहाँ पे एक, और यहाँ पे एक दो पिंपल आया है, तो इसीलिए मैंने कनेक्टिव ऐसे लगा दिया है। कि कनेक्टिव एक्चुअली मैं 2014 से यूज कर रही हूँ, जस्ट लव दैट प्रोडक्ट। तो पिंपल आने से मैं क्या करती हूँ, पिंपल आने से इसके ऊपर ऐसे लगा देती हूँ, वो सूख जाता है, फिर दोबारा मैं लगाती हूँ। ऐसे करने से या पिंपल को ऊपर ऐसे लगा के रखने से वो पिंपल कम भी हो जाता है, और उसका जो दाग छोड़ जाता है ना, अब यहाँ पे देख सकते हो क्या, यहाँ पे एक छोटा सा हल्का सा एक दाग है, मतलब इससे पहले यहाँ पे हुआ था, तो मैं वहां पे लगा रही थी। तो वहां पे अगर आप कंटिन्यूअसली लगाते रहोगे पिंपल के ऊपर, तो वो जो पिंपल तो जाएगा ही, उसके ऊपर उसका जो दाग है वो भी चला जाएगा, क्योंकि पिंपल हो जाने के बाद उसका जो मार्क छोड़ जाता है ना,
तो वो मार्क अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे उसके बाद एक महीना दो महीना बाद जाके सोचोगे कि यार इसका कुछ ट्रीटमेंट करना है, वो आप तब कुछ कर नहीं पाओगे। पर अगर आप इमीडिएटली कुछ करोगे, इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट करोगे या फिर ट्रीटमेंट नहीं इट्स लाइक देखभाल करोगे तो वो चला जाएगा। जैसे कि बाकी का मुझे नहीं पता, बाकी का प्रोडक्ट के बारे में मुझे पता नहीं है, मैं कनेक्टिव यूज करती हूँ, वो स्लो काम करता है पर बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे मैं लगा के रखी हूँ, आज तो आज मैंने इसे लगाया ना, तो दो तीन दिन बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ पे जो पिंपल था वो पिंपल भी चला जाएगा, इसका जो दाग है वो भी लाइटन हो जाएगा। यहाँ पे अभी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है एक्चुअली, शायद यहाँ पे बहुत ही डार्क हो गया था। नॉर्मली पिंपल होने के बाद डार्क सा काला सा स्पॉट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे वो था, मैं जब पिंपल हुआ था तभी से लगा रही थी, तो उसके बाद जो ब्लैक स्पॉट था उसके ऊपर भी मैंने लगाया तो वो भी कम हो गया। ऐसे ही मैं करती हूँ तो वो कम हो जाता है, वो दाग रहता नहीं है फेस में। अभी मैं जा रही हूँ कपड़ा धोने। हाँ, टाइम थोड़ा सा अजीब है ना, आप लोग सोच रहे होंगे मैं इसी टाइम पे धोती हूँ, क्योंकि मुझे वो पूरा कपड़ा ना वो धूप में डालना एकदम कड़क धूप, चेन्नई का धूप तो बहुत ही कड़क है, धूप में डालना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं मोस्टली क्या करती हूँ इसी टाइम पे धो के फिर ऐसे टाइम पे जाते जहाँ पे धूप कम हो रहा है, हवा में ही सूख जाएगा, बहुत अच्छा हवा होता है, हवा में ही पूरा सूख जाएगा। फिर नेक्स्ट दिन मॉर्निंग अगर मोटा सा कपड़ा अगर मैं टॉवल ववल धोया है तो नेक्स्ट दिन मॉर्निंग थोड़ा हल्का सा धूप लगने से ही मैं उसे फटाक से उठा कर लेके, ज्यादा धूप में कभी डालने नहीं देती, उसके ऊपर गिरने नहीं देती, क्योंकि उसका जो कलर है, उसका जो कॉटन है मतलब जो मटेरियल है वो खराब होता जाता है अगर आप धूप में ज्यादा एक कपड़े को ज्यादा दिन तक कंटिन्यूअसली उसे धोते रहो, उसका लाइफ स्पैन कम हो जाता है और उसका कलर भी जल्दी जल्दी खराब हो जाता है। हाँ देखिए, मैंने इसका तो मेरा कपड़ा है नहीं, मतलब वॉशिंग मशीन का कपड़ा मतलब उसका कवर नहीं है, तो मैंने ऐसे ही कुछ एक डाल के उसको ऐसे बंद करके रखा है, तो मैं इसे हटा देती हूँ। टन टन हटा दिया, हटा के ऐसे रख देंगे, आप लोग सब देख सकते हो कितना अच्छा सा हवा हो रहा है, पत्ता हिल रहा है, तो मैं डाल दूंगी कपड़ा। ऑन कर रही हूँ मैं इसको, रखूंगी क्विक मोड में 30 मिनट्स वाला, क्योंकि ये डेली वेयर है तो कोई अच्छे से वॉश करने वाला चीज़ नहीं है, मतलब डेली जो पहनती हूँ वही वाला कपड़ा है, इसीलिए मैं 30 मिनट्स के लिए रखती हूँ। अगर मैं कॉटन यूज़ करती हूँ तो कॉटन में अगर मिक्स है तो मिक्स, वो तो सबको सब कुछ पता ही है, बोलने की जरूरत नहीं है। मैं मोस्टली क्विक में ही रखती हूँ क्योंकि मैं कपड़ा ज़्यादा दिन तक गंदा होने नहीं देती, अगर बाहर का कपड़ा भी है वो भी मैं इसको क्या बोलते हैं वो भी मैं एक दिन या दो दिन मैक्स, उसके सिवा उससे ज्यादा यूज नहीं करती। नहीं, ये भी रखा हुआ है, ये एक्चुअली ग्रीन चिली था, मैंने इसे धूप में रखा हुआ था ताकि वो थोड़ा सा रेड बन जाए और मैं इसे रेड चिली के जरिए से यूज कर सकूं, क्योंकि मैं वो सूखा हुआ रेड चिली यूज नहीं करती, अगेन वो भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं दुकान में गई थी लॉकडाउन से पहले, मैं सब्जियां ले रही थी तो मैंने बोला मुझे ग्रीन पीस दे दो, ग्रीन पीस के जगह गलती से इट वाज क्राउडेड, वो लोग ग्रीन पीस के जगह ग्रीन चिली लगा, तो वो लोग बहुत ज्यादा मुझे चिली दे दिए, तो जो भी मोटा मोटा सा था जो अच्छा सा था उसको मैंने ऐसे धूप में रखा हुआ है, तो रेड उसको रेड बनाने के लिए है तो ऐसे रखा हुआ है, तो तीन दिन हो गया है वो सूख के, अभी ऐसा रेड हो गया है। इसके साथ साथ मेरे पास दो छोटा सा पौधा है, ये है तुलसी का पत्ता और ये है आम का पौधा, ये भी मेरे मदर इन लॉ ने मुझे दिया है यहाँ पे रखने के लिए, उन्होंने बोला है कि इसको थोड़ा सा बड़ा होने के बाद नीचे लगाएंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। उनको गार्डनिंग का बहुत बहुत शौक है, तो उनका गार्डनर डेफिनेटली एक दिन आप सबको दिखाऊंगी, वो छत पे है, एक दिन डेफिनेटली दिखाऊंगी। तो इन छोटे से पौधे को थोड़ा सा पानी दे देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती, सुबह थोड़ा सा दिया है तो अभी थोड़ा सा दे देती हूँ, ज़्यादा देने से क्या होगा, ये आइडिया भी मेरे मदर इन लॉ का ही है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोर में रखा हुआ है ना, इसीलिए उन्होंने आइडिया दिया है कि एक प्लेट के ऊपर रखो, ताकि इस वजह अगर ज़्यादा पानी हो जाए तो नीचे ना आ जाए, नीचे आने से गंदगी बन जाएगा ना, तो गंदगी हो जाएगा ना, तो साफ करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत निकलने से इसके ऊपर ही रह जाएगा। ये एक ढक्कन है, पेंट के डब्बे का ढक्कन है, इसके ऊपर ही रख दिया है, इट वॉज वेरी गुड आइडिया एक्चुअली। वैसे मैं ज़्यादा नहीं देती पर अगर कभी ज़्यादा हो गया तो इसीलिए शी हैज गिवन दिस आइडिया एक्चुअली। तो इसमें भी सेम डाल के रखा हुआ है, ये अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया है और कुछ दिनों में इसको नीचे लगा देंगे, अच्छा सा आम आएगा, मैंगो आएगा। हाँ, अभी एक्चुअली शाम हो गया है तो अभी मैं पूजा दूंगी, पूजा मतलब मैं थोड़ा सा दिया जलाऊंगी, सुबह तो मैंने पूजा दिया ही है, तो अभी मैं थोड़ा सा दिया जलाऊंगी, इसीलिए मैंने नहा लिया है ना, मतलब हेड बाथ नहीं लिया है,
ऐसे ही नहा लिया है और कपड़ा भी चेंज कर लिया है, क्योंकि ये जो आदत है ना ये मेरे मम्मी से है। मेरी मम्मी मुझे बचपन से सिखाती थी और वो भी खुद करती है, शाम को जब भी पूजा करती है तब फिर से थोड़ा सा कपड़ा चेंज करके, नहाती नहीं है पर वो मेरी आदत है क्योंकि गर्मी बहुत है इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया, तो कपड़ा चेंज करके ही फिर पूजा करा के थोड़ा सा दिया विया जलाती है। तो मैं भी वही करूँगी अभी, क्योंकि मोस्टली मैं घर पे रहती नहीं हूँ, मैं ऑफिस ही जाती हूँ, शाम को तो मैं बिल्कुल भी घर नहीं रहती, तो मैं कर नहीं पाती। तो अभी मैं घर में हूँ इसीलिए मैं ही कर रही हूँ ये सब, अगर मैं घर जब नहीं रहूँगी तब तो मैं कर नहीं पाऊंगी। मैंने पूजा खत्म कर लिया, पूजा खत्म करके मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने बर्तन धो दिया, ये सब बर्तन मैंने धो दिया, बर्तन धो दिया। अभी मैं बनाऊंगी ये, इसको मैंने काट के रख दिया और इसके साथ बनाऊंगी इसको। ऑलरेडी ऐसा पाउडर मिलता है, हम बेसन जैसे बेसन यूज़ करते हैं तो बेसन में कुछ ऐड करना पड़ता है, नमक कुछ पाउडर वगैरह ऐड करना पड़ता है, इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही मिलता है। इसको पानी में मिलाओ, इसको इसमें डिप करो, डिप करके फ्राई करो। तो फिर से सोच रहे होंगे कि ये और दोबारा कुछ अनिल दिखाने वाला क्यों बात कर रही है। बात ऐसा है कि मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, मैं खाऊंगी भी नहीं, अगर मैं खाऊंगी भी तो थोड़ा सा। मैं कुछ भी ऐसा फ्राइड बनाती हूँ ना तो मैं बहुत ही कम, मतलब थोड़ा सा इतना सा खाती हूँ बस टेस्ट करने के लिए वो कैसा बना है। एक्चुअली मैं ये बना ही रही हूँ मेरे पति देव के लिए, उनको फ्राइड चीज खाना और ये सब चीज खाना बहुत ही पसंद है। आप बहुत दिन से बोल रहे थे कि बनाओ 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 मेरे लिए बनाओ, तो मैंने आज जब मैंने सब्जी लिया तो ये वाला मुझे मिला तो मैंने ले लिया। तो अभी मैं इसको बनाऊंगी, बना के आप लोगों को दिखाऊंगी भी कैसा हुआ है। और आप देख सकते हो मैंने नहाने के बाद दोबारा ये सब लगाया है, जैसे कि मैं तब बोल रही थी पहले कि मैं ये लगाती रहती हूँ कंटिन्यूअसली जब एक्चुअली मैं घर में, अगर मैं ऑफिस में तो बार बार तो नहीं लगा सकती ना, तो तब लगाया था फिर सूख गया था, नहाने के बाद दोबारा मैंने लगाया है तो धीरे धीरे इसका दाग चला जाएगा। तो मैं इसे बनाती हूँ, बना के फिर आप सबको दिखाऊंगी और ज्यादा देर तक ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगी, यहाँ पे खत्म कर दूंगी इसको दिखाने के बाद, क्योंकि मुझे इस वीडियो को एडिट करके फिर पोस्ट भी करना है टाइमली, नहीं तो बहुत ही लेट हो जाएगा, रात को जाकर तो पोस्ट नहीं कर सकती, राइट। सो इसको बनाने के बाद आप सबको दिखाऊंगी, दिखाने के बाद आप सबको बाय बाय बोलूंगी और फिर आप सबको डेफिनेटली सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपका अपडेट कैसे मिलेगा, अगर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी तो उसका अपडेट आप सब लोगों को कैसे मिलेगा। तो एनीवे तो मैं पहले इसको बनाती हूँ, बना के आप सब लोगों को वापस आती हूँ। बन के हो तो गया है पर बहुत ही गंदा आया है, मैंने सोचा नहीं था इतना गंदा आएगा, इससे पहले भी मैंने बनाया है पर इतना गंदा नहीं बना है, आज बहुत ही गंदा बनाया है। आप लोग देखो कितना गंदा दिख रहा है, मैंने थोड़ा सा ही बनाया पर फिर भी ऐसा गंदा बन गया, क्योंकि वो जो पाउडर था ना वो पाउडर बहुत कम हो गया था इसीलिए ऐसा अजीब सा बन गया है। बेचारा मेरा पति, वो वैसे बोलेगा कुछ नहीं ऐसे ही खा लेगा पर फिर भी मन से बनाया था, पर देखो कितना गंदा हो गया उस पाउडर की वजह से, पाउडर ही कम पड़ गया। जो भी है, और एक चीज आपको बता दूं, इतना सा तेल रह गया है, मैं इस तेल को क्या करूंगी, इसको आज रात को जब डिनर बनाऊंगी इसको खत्म कर दूंगी, क्योंकि कोई भी आप फ्राई करो, कभी भी आप फ्राई करो वो जो ऑयल बचा हुआ होता है उस ऑयल को ज्यादा दिन तक ज्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही उसे स्टोर करके रखना है। ओके, ट्राई कीजिए कि 12 आवर्स के बीच में उसे खत्म करो, जितना जल्दी हो सके उसे खत्म कर लेना है, इसलिए मैंने जितना कम हो सके उतने कम ऑयल से बनाया है ताकि मैं उसे रात को यूज कर सकूं। जो भी है गंदा रिजल्ट निकला, एनीवे आज की वीडियो इतना तक ही है, आप बताना आप सब लोग कैसा लगा है, लास्ट में आके सब कुछ बिगड़ गया है, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। जो भी है आप डेफिनेटली कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना अगर अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊंगी उसको नोटिफिकेशन मिलना है ना।